हम लोग बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं, बुज़ुर्गों के वाक़यात बयान करते हैं, बुज़ुर्गों को मानते हैं। क्या कभी हमने ये बात जानने की कोशिश की कि ये जितने भी बुज़ुर्ग हजरात हैं, ये बुज़ुर्ग कैसे बने, इनका बचपन कैसा गुज़रा था, इनकी माँ ने इनकी कैसी तरबियत की। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, कि बचपन में इनकी माँ ने इनकी कैसी तरबियत की, तब जाके ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बने। वाक़या लिखा है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बंगाल का सफ़र किया। आप जब बंगाल के सफ़र पर गए तो वहाँ हज़ारों गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल किया और हज़ारों मुस्लिमों ने आपके हाथ पर तौबा की और आपके हाथ पर बैत की। जब आप बंगाल के सफ़र से वापस घर तशरीफ़ लाए तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, बड़े खुश नज़र आ रहे हो? कहने लगे, माँ क्या करूँ, बात ही ऐसी है कि मैं बंगाल के जब सफ़र पर गया तो 70 लाख गैर मुस्लिमों ने मेरे हाथ पर इस्लाम को कबूल किया और 7 लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर गुनाहों से तौबा की और मुझसे बैत की, इसलिए मैं खुश हूँ। तो माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारा कमाल नहीं है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, माँ फिर किसका कमाल है? तो माँ ने कहा कि बेटा, जब तुम छोटे से थे और तुम्हें मैं जब भी दूध पिलाती थी तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें बग़ैर वुज़ू के दूध पिलाया। वुमेन जो तुम्हें वुज़ू करके दूध पिलाती थी, ये उसका कमाल है। तुम्हारी बचपन में जो मैंने तरबियत की, ये उसका कमाल है। अल्लाहु अकबर। तो जब इस तरह से माँ अपने बच्चों की तरबियत करती हैं तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग पैदा होते हैं। जब माँ अपने बच्चों को दीनी माहौल फराहम करती है तो इस तरह के बुज़ुर्ग पैदा होते हैं। आज जब टीवी का माहौल है, माँ बच्चे को दूध भी पिला रही है तो टीवी के सामने बैठ के, मोबाइल चला के, सॉन्ग सुन के, तो मेरे भाई फिर तो डांसर ही पैदा हो सकते हैं, फिर तो नाचने और गाने वाले ही पैदा हो सकते हैं। तो ये वाकया हमें सबक देता है, हमारी माओं को, हमारी बहनों को, कि देखो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, इनके पीछे इनकी माओं का हाथ है। उनकी माँ ने इस तरह तरबियत की कि कभी वुज़ू के बग़ैर दूध तक नहीं पिलाया, अंदाज़ा किया जा सकता है। बस ये एक छोटा सा वाकया जो हमारे लिए नसीहत का सबक बन सकता है, इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।